फिर से आप मेरे मंच की चमक को सुंदर कर रहे हैं। चमक फूल भर गर्ज करना हिला दिया और एक और दौड़ में भाग लेने वाला से ही करना चाहिए क्योंकि वापस में इतना ज्यादा शायद पावर नहीं मिलेगा। बैरल से करके देखेंगे, बैरल से करेंगे रेस। तो हमारी डेथ रेस स्टार्ट होने वाली है। तो ये रेस हमको जीतना और चेक पॉइंट जो बैरल को कंटेनर टाइप कुछ होगा उसको डिस्ट्रॉय भी करना है। फर्स्ट भी आना है और बैरल भी डिस्ट्रॉय करना है। अब हम डेथ रेस कर सकते हैं क्योंकि उस लड़की से पार्टनरशिप करनी है ना हमें, बेवड़ी लड़की से। उसके पंख और प्रशंसा करना मैं नहीं। ओके सर, रेसिंग देखिए ऐसे ही भव्य ऊंचाई। मैंने टेंडरलॉइन का कर्ज साफ कर दिया। सीरी लड़की यहां मिलेगी मुझे। मैक्स को यकीन है उस लड़की को अच्छी बना सकता है। चलो उससे बात। आपका कर्ज चुका गया है। कैसे? गई लोग आपकी लड़की के नहीं थे और वे एक पल प्यार करने वाले इंसान थे ताकि वे अपने विचार साफ कर सके। थोड़ी पिया करो, इतनी पीनी की आज मैं उल्टी कर रही है। ओके तो इस लड़की ने बोला, ये लड़की पूरी नशे में चूर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मौत तो हमारे चारों तरफ है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करूंगी, तुम जिसको भी बोलोगे मारने को मैं उसको मार दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जिससे मिले थे ना रेस मास्टर से, उनका पता नहीं कुछ इस लड़की ने उधार लिया हुआ है, तो वो हमें
बुराई से चुप करना होगा, उसके बाद हम रेस कर सकते हैं इस लड़की के साथ में। चलो हम रेस भी करेंगे और रेस जीतेंगे भी। पहले अपनी गाड़ी अपग्रेड कर लें, फुल एंड फाइनल वाला अपग्रेड कर लेते हैं, क्योंकि कुछ तो कांड होने वाला है। कहीं कहीं जगहों पे ना जबरदस्ती अपग्रेड कराते हैं। ओह, निश्चित रूप से मुझे लड़ाकू का मतलब समझ गए। चलो डेथ रेस हो जाएगी। अगर कार को नुकसान हुआ तो मुझे संदेह है कि वह जानती है कि क्या है। दौड़ के लिए तैयार हूं, उत्कृष्ट है। आज रात हम बहुत ही बड़े पैमाने पर गैस ट्रावरों, अपशिष्ट करदाताओं, कम धब्बों और बड़े सामान से दौड़ते हुए एक अविस्मरणीय अनुभव जीतने का इनाम है। पीएटी से देखो ऊपर से हमें कितना अद्भुत खजाना दिया गया है, साक्षात्कार करें। हमारे पाइपिंग के लिए ताजगी और स्वादिष्टता की उच्चतम सीमा को प्राप्त करना एक अद्वितीय अनुभव होगा। बड़े मुख्य गिलास के सामने गवाह करें और पनीर पट्टे पत्नी को गर्म मिलाएं। V8 इंजन के साथ जो एयर जीतेगा उसके साथ ही लड़की भी जीतेगी। ओके, और फिर भी इन तमाम अद्वितीय संपत्तियों के बावजूद एक ही रक्षक अभी भी खड़ा है, हमारे प्रिय प्रेम चैंपियन स्टैंक। लेकिन आज रात आपके और उसके आत्मसंवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा। एक बहादुर योद्धा ने चुनौती जारी की है, एक महान चुनौती। उसने हमारे चैंपियन से उसकी प्रतिष्ठा, कार और पत्नी को छीनने की प्रतिज्ञा की है। देखते हैं कौन जीतता है। जो लोगों को जानने और रक्तदान के लिए तैयार है। नीचे 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 और मैं बहुत ऊंचा।
आकाश भी नया लगता है। सबसे पीछे अम्मी हो क्या अभी? कोई नहीं, अब जो भी आएगा सामने उसको उड़ाते हैं। आप सभी जानते हैं और आप सभी इसे बहुत पसंद करते हैं। आप चिल्लाओ जैसे तुम मतलब हो। झगड़ा नहीं हुआ और हम आपका स्वागत करते हैं। हो सकता है ना हमको इस लड़की से फाइट करना होगा। मैक्स बेचारा इसको बोला कि मेरा तुमसे कोई पंगा नहीं है, लड़की बोली लगी ये रूल्स है, तुम्हें मुझे मानना है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चलो यही ठीक है। मैंने हिट किया, मैं हिट कर रहा हूँ, मैं लगातार हिट कर रहा हूँ, बार बार। सर ये जो अटैक करिए हम तभी अटैक करते हैं। विजेता और बदबू का बर्बादी अद्यतन समाचारों में छाई। अरे तुम यहाँ नहीं हो, आपका दोस्त वह जल्दी से क्षेत्र से बाहर आ। वह कहाँ है? आज रात गैस तौलिया का महान पुरस्कार हम सभी को कुछ विशेष प्रिय द्वारा दिया जाएगा, हालांकि हम उससे डरते हैं। चलने के लिए उसके बाद मुख्य समलैंगिक आखिरत के स्नान से हमारे पास लौटते हैं और उसकी महिमा में है। तो इनको एक चैंपियन चाहिए, तो वो चैंपियन अब वह अपने पिता की तरह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका है। अमर
एक ओलंपिक एथलीट, एक देवता है। टांग दिया। ठीक है, यहां मेरी मदद करो। एक ही दिन में सारी बोस फाइट हो जाएगी क्या? इसके साथ में फाइट करा दूंगा। मेरे लिए भगवान से, मेरे लिए आओ, अपनी मां के लिए। डायलॉग मार रहा है कि तूने मेरे सर में आधा ब्लेड डाला, तो पूरा ब्लेड डाल के मुझे मार सकता है, तो मार के दिखा। एक दिन पहले इतना पागल है, ऊपर से आधा ब्लेड लेके सर में घूम रहा है। मेरी गाथा में आखिर क्या होता है? ओह मेरा सपना। कैंपस में भी मैच की तारीफ सुनी है, मैच खतरनाक है। हाँ ठीक है, चला जा। पिछले भी आ गए हैं ना फाइट करने के लिए। स्कूटर्स के क्या कंटेनर्स के पार्ट दौड़ा सकते हैं ताकि ये फटे? फटा फटा फटा। तुम नहीं जानते। लेके आते हैं स्कूटर्स को। चोट के बाद अपनी बारी का इंतजार। अच्छा मौका था, यहाँ मार सकते इस प्रोडक्ट को। कोई बात नहीं,
अपना बीएड इंजन लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। सावधान वो लड़की भी बोल रही थी ना कि हमारी किस्मत साथ में रुकी हुई है, उसको भी लेके जाना पड़ेगा साथ में। फिर यार यहाँ भी आ गई है, एक लोमड़ी मुझे देखो। क्या देखे? तुमने क्या कर दिखाया है? आपने अपनी कार जिसने रेस ऑर्गेनाइज कराई थी उसको क्या स्ट्रोकस को बुलाना जरूरी था क्या? मार देते तो गेम खत्म हो सकता है। देख अपने वेपन में आग लगा के आ रहा है फाइट करने के लिए। चला जा आगे बढ़ो, इसे प्राप्त करो। खाता क्या है, इतना मार रहा हूं कि हिल ही नहीं रहा है। कर दिया ना इसने चीटिंग, मैक्स लड़ने के रखने की हिम्मत नहीं है इसकी। अपनी चमकी इसी ले लो भगवान, बस इसे फेंक दो। चल ठीक है आजम, अपने चमचों को मेरे ऊपर नहीं मरने जा रहे हो चैंपियन। फिर भी आखिरकार आपको ये जरूर मिलेगा। वन। हाँ, मेरे पास आपके लिए एक और है। मेरा बच्चा। वह मेरी पूरी मदद करेगा उसे वापस लाने में। जैसे ही मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ, बस अब तोड़ने की कोशिश करो। घायल हुए अन्यथा आप उससे ज्यादा गड़बड़ कर देंगे। कुर्सी पर चलो। कौन है जो आपको मिलना चाहिए? कौन? ये किसी से है। उस लड़की होप को होप है कि मैक्स इसकी जान बचा देगा इसकी। और तुम्हारा मतलब कुत्ते खाने वाला? वे अब एक बहुत अजीब कार्य कर रहे हैं। सब यहाँ दोस्त हैं। ये दोस्त वास्तव में यहाँ रह गए हैं क्या? लेकिन ये बस इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानना चाहता। डरता है। सोने या उससे करीब। कई दोस्त। उस दोस्त के लिए थोड़ी देर होगी। अपनी गलती से खुद को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं। सपना देख रहा है। जाएंगे। पति। और इस बार आप ऐसा करते हैं। ठीक है।
क्या आप पागल आंखों वाले दुष्ट योद्धा इस बंजर भूमि की महिला को अपनी कानूनी पत्नी बनाते हैं? मैं करता हूं। सफल हो स्क्रोटस, और अब तुम्हारा खून कमजोरों को पोषण देता है। जब आप अपनी नसों में जलन और अपनी आत्मा में खून का संचार महसूस करते हैं, तब हल्कापन महसूस होता है। यही मेरा भुगतान है। चलो बाहर निकलो। अब बाहर निकले। वह कहाँ है? वह महिला है वहां, बाहर की पत्नी है, पेट के नीचे। तुम उसकी जिंदगी का कर्ज हो। समझ में नहीं आता कि वह आपके जैसी बेकार झोपड़ी की इतनी परवाह क्यों करती है। चलते रहे। रक्त लीच। खून बाहर निकलता है। कट सीन में थोड़ा साउंड आगे पीछे चल रहा है। लीच में थोड़ा खिंचाव हो गया है। आपके लिए सुनिश्चित करें कि कार चुके। डॉक्टर को होप में धमकी देगा, तुमने मैस का इलाज नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। टूटे हुए शव मेरे निशान में हैं। किसी व्यक्ति के लिए उचित कीमत पर मैं अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा। मुझे ताजा रक्त बैग मैगोट और नाइट्रो में रखने के लिए पर्याप्त बिजनेस मिलता है। तो चलो चलते हैं के पास, देखते कहां पे है। मेरी प्रशंसा करो, संत को देखो। श्री मेलकम होप्स को एक कुशल और सुरक्षित तरीके से हेरफेर किया गया है, यह किंतु अभी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। महिला? हाँ, वह महिला, डॉक्टर ने कहा उसे पता चलेगा। उसे पता चलेगा कि वह कहाँ है। लोग उसे उसकी पत्नी के रूप में संदर्भित करते हैं। वे मानते हैं कि वह ठीक ठाक है। ये एक प्रमुख मुद्दा है। यहाँ तक कि वह यहाँ कहीं भी बंद हो जाती है, आप ध्यान देंगे। क्या आप जानते हैं? किसी के लिए डॉक्टर डी कहलाते हैं। जुवेंट्स, वह मेरा भयंकर समय था। आक्रमण करने वाला भीड़ था। गैस स्टेशन की आरामदायक सीटें। जब मनुष्य और मशीन का टकराव हुआ, तब रेत में अनगिनत कृपा बह गई। उनका क्या हुआ? आखिरकार उन्हें पकड़ दिया गया। वे दिख रहे और बादल काले काले देख रहे हैं। आप गूंज रहे हैं।
हमेशा का समय सपने की किंवदंतियां अंत के समय हमारे पास है। महान लॉ का गहरा फ्रायर स्पोन है, बच्चों ने इससे सबक लिया है। जंगल की आग का वे झुंड बेसब्री से अपने धर्मी उद्धार के इंतजार में है। वे उम्मीद करते हैं कि मैं उन्हें मुक्ति दूं। मैं तुम्हारे में एक संभावित और सुरक्षित मोक्ष देखता हूं। नहीं सर, गैस्टन बर्बाद हो गया है, बाहर की टीलें लाल रह गई। डर्सक्रोट्स और उसके युद्ध के लड़कों ने ब्लेड का खूनी सुसमाचार फैलाया, लेकिन आपका लक्ष्य कहीं और है। ये आपको एक मूल्यवान सहयोगी बनाता है। कोई भी सहयोगी नहीं है। मेरे झुंड के कई सदस्य ब्लेड के रास्ते से आग में कूद गए हैं। आपको बफ अप हथियारों में पुरस्कृत किया जाएगा। क्या आपको जरूरत है? 100 स्क्रोट्स के बाद से उसकी हालिया कीड़े मौत के साथ थे। चेन्सों के द्वारा चलने के लिए पवित्र पवित्र पत्थर मशीनिंग हमें गर्मी की कृपा को बुलाओ और स्वीकार करो। गैर बन जाते हैं कार्यात्मक। आपका मतलब है कि वह बड़ी ट्यूब बाहर लगाई गई है? यह जुड़ाव एक बार पवित्र चंद्रमा के नीचे गैस से भरे पेट में बड़े आकार में जाता है। यह एक शुद्ध लौ को उड़ाता है, जंगल की आग को अपने सामने खड़ी करता है। अब आग रुक गई है, हम सुरंगों में नहीं जा सकते। पिचकाली और ज्वलनशील गैस से भरी, जिससे हमारी मशाल का उपयोग असंभव बन जाती है। आप ऐसे झूठे हैं, यही रास्ता है। क्या तुमने किया? तुमने वास्तव में ये किया है। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं गैरिस्टाउन वापस लौटूंगा। चंबकर, तुम्हारे साथ रहोगे तो ऐश करोगे। क्या? आह, यह यहाँ एक काली उंगली थी, सबसे अच्छी और सबसे उत्कृष्ट थी। ओह, मेरे पास था। सब कुछ यहाँ मौजूद था। उद्देश्य को यह हिस्सा देता है। मैंने युद्ध मशीनों और हमले वाहनों पर काम किया और मेरे पास एक बंक था, जितना मैं यहाँ खाने के लिए ज्यादा भूरा और पनीर और तेल था। और रात में उसने मेरे कानों में फुसफुसाया, परी जैसी धन। उसने इस पवित्र सहयोगी से मिलने का निश्चय किया। वाह, मुझे पूरा कभी ओह, ये बड़ा परी धन आने लगता है। वास्तव में कुछ नहीं है। क्या हुआ? उसने मुझसे कहा कि मुझे मेहनत शुरू करनी है। मेरे पास पैन के अंदर डिजाइन थे, देखो जैसे उसने उन्हें नीचे रखा था। स्वर्गदूत, और मैंने उसके डिजाइन के लिए भागों को मुक्त करना शुरू किया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। वे मुझे हमेशा के लिए बंद करना चाहते थे, लेकिन स्क्रोट्स उसके पाल लाए। वह मेरे साथ खेलना चाहता था और उन्होंने मुझे एक बंजी में दीवार से फेंक दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या स्वर्गदूत की सहायता से मैंने इसे बना लिया। मैं मर नहीं गया। भागो में छिपे हुए थे। अरे 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 मुझे लगता है कि हम उन्हें उसके लिए मिल सकते हैं। हाँ, जैसा कि यह मैग्नम ऑनपेस और हार्पून में सेमी सेमी डीले द्वारा इरादा किया गया था। चलो करते हैं। कि हमें पैदल जाना पड़ेगा, गाड़ी नहीं ला सकते हैं। अरे अंदर पिताजी,
चलाने भूल गया, चला के देखा होता ना तो काम का तमाम हो जाता। ये सिर्फ टकले आ जाते हैं एक साथ। यहाँ कोई है? लड़की की जगह लड़की नहीं थी, हमें बच्चे की माँ जो थी तो स्क्रैप और चाहिए। आशा करो भैया, यहां ले आओ। फाइट करके गाड़ी को अपग्रेड किया है, तो बड़ा दुख हो रहा है, सैडनेस फील हो रहा है कि गेम खत्म होने वाली है। टप्पा गाड़ी थी पहले, अभी देखो कोई नहीं, यार बिगड़ गए।
ब्लैकस्मिथ है ना, इसमें ऐसा वॉलपेपर लगा हुआ है डेस्कटॉप पे। शाबाश, स्थाई उड़ती हुई लैंडिंग। स्क्रोट्स आपके लिए शहर को फाड़ रहा है, हमें यहां से बाहर निकलना है। मैंने एक प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। कहां है? अगर तुम मेरी मदद करो, मेरी बेटी, तो तुमने मुझे बूढ़े आदमी की मदद से भागने के बाद उसे मुक्त करने का मौका दिया। मैंने तुम्हारी मदद की, क्या मैं नहीं देख रहा हूं कि तुम्हारी आंखों में पागल के पीछे क्या है? मैं तुम्हारे सपनों की खोज में सहायता करूंगा और फिर तुम मुझे मेरा प्यारा बच्चा लाओगे। बड़े प्रमुख, मुझे इसकी जरूरत है। यहां से गैरेज आता है, आपको इसे वहां से बाहर निकालना होगा। मैं तुम्हें बाद में ढूंढूंगा और तुम मेरे साथ सही करोगे। तो वो बता रहे थे कि स्क्रोटस पूरे वेस्ट एंड को तहस नहस कर रहा है मैक्स को ढूंढने के लिए, और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मैक्स बोलने लगी कि मैं यहाँ से जीत गया हूँ, उसे कुछ पहचान, मुझे वो चाहिए। वह बैरन के पास एक राक्षस मैं चुना, और वो बोलने लगी मैं तुम्हें ये डीजे दिलवा देती हूँ कि तुम मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करो। उनके लिए स्क्रोट्स याद है जब स्टार्टिंग से मिले थे वो ब्लेड वाला पंखा मैक्स को दे दिया था। यहाँ नीचे देखते हैं इसकी कैसे मदद कर सकते हैं। जब से अपग्रेड किया है ना, उन लोग को मारना काफ़ी आसान हो गया है। अगर फाइनल बॉस से फाइट करने से पहले अगर और अपडेट आया ना, मैक्स को हम और अपग्रेड कर देंगे। जितना ज़्यादा अपग्रेड करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, याद है कि नहीं याद है? नीचे डर के मारे भागे थे, जान बचाए थे अपनी हम लोगों ने। आधे घंटे खचिया उड़ा दे रहे हैं। बोल रही थी कि ये तुम्हारी पागल आंखों के पीछे, भले तुम दुनिया को पागल बना सकते हो लेकिन तुम्हारी इन आंखों के पीछे एक दर्द छुपा हुआ है। वो तो काफी समझदार है। ठीक है, देखते हैं क्या लगता है। V8 इंजन मिल जाएगा इतनी आसानी से? कहाँ छुपा दी इन लोगों ने? बताओ, जीते भी हैं ऊपर से।
छुपा के भी रख दिए हैं। रिलीज करने का क्या फायदा है? तस्करी करता है बॉडी पार्ट्स की, सबको काट काट के लटका के रखा हुआ है। वहां है इस कार से उस इंजन को निकालना पड़ेगा, पहले इनको निपटा देते हैं। फाइट करता है, स्टार्टिंग में तो एकदम लुल्लू पुंजो वाली फाइट कर रहा था, पूरा स्टाइल चेंज हो गया मैक्स के फाइट का। इसे नीचे ले जाकर जनरेटर की आवश्यकताओं को पूर्ण कर। खत्म हुए लोग। उनकी कार को नीचे ले जाना पड़ेगा, पहले ऊपर टंगी है ये। फिर एक बार ये इंजन निकाल के हम लगाएंगे कैसे? मेरी कार तो पता नहीं कहाँ है। वहाँ हो चुका है। सर तो चल रही है, देर नहीं है। अंतर्दृष्टि। मुझे लगी रात कि इतनी आसानी से नए कार नहीं ले जाने देंगे। जा सकते हैं ना चल करके। यहां से इतनी ऊंचाई तो नहीं है कि यहां से कूद के मैक्स मर जाए। आ जाओ और डालते हैं। चलो ये चीजें लेते हैं। अच्छा ये कार चलानी है। अच्छा इसमें बड़े खतरनाक वेपन लगे हुए हैं। तो इस गाड़ी को भी ठीक ठाक लेके चलना है ताकि चमबकड़ी इसका इंजन हमारी गाड़ी में लगा सके। तो लास्ट ये करना है ठीक ठाक लेके जाने से। साइड बर्नर भी लगा हुआ है। ओहो मुझे लगने लगा भाई खतरनाक गजब गजब। वो
जूम व्हील इसको उड़ा दे क्या? क्या बोलते हो? खतरनाक बना कर रखा है इसने। देखो गाड़ी का लुक। सच है, इसे जागृत रखने के लिए आगे बढ़ा। नहीं करो, बेहद उत्साहित हूं। हमें बाहर निकलना है। ये अमर कोर्स है और ये अद्भुत है। वह हमारे साथ चल सकती है। हाँ, लेकिन उसे लगता है कि वह आपको टुकड़े टुकड़े करके तोड़ेगी, क्योंकि वह काफी शक्तिशाली है। मैं एक पंक्ति में बरी के लिए प्रमुखों को चुनने गया था। एकदम राजा की तरह बैठ गया है। वैसे स्क्रोटस अपने आप हमको ढूंढ रहे हैं, और उसने बोला कि मैक्स को पीस बाय पीस करके काटेगा। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो मेरी गाड़ी के सामने खड़ी है। आपने बचाया। फाइनली V8 इंजन लगा दिया है। यही है वो V8 इंजन जिसके लिए इतने सारे एपिसोड और इतनी मेहनत लगी। मिल गया फाइनली। अब तुम्हारी बारी है। मुड़ो। क्या मुड़? मैंने तुमसे कोई वादा कभी नहीं किया था। मैं तुम्हारे बारे में गलत था। आप बिल्कुल सभी की तरह है, बस एक खोखली भूसी। हर खोल में कुछ भी नहीं होता। उसे यह पता चलेगा। उसे तुम पर भरोसा करने के लिए कहो। उसकी मां को बता दो कि आशा यहां बेसब्री से इंतजार कर रही है। वह यहां होगी। वहीं वो पुराना उसे लाया। ये रेगिस्तान के निवासी वापस आए और अपने पूरे स्टाफ के साथ। उसे क्या सुरक्षित रखा? उसे बताओ। उसे बताओ कि वह महिमा है। उसका नाम महिमा है। आशा और महिमा भाग गई। चलो भाई, मैक्स का तो फिर बस गया। मैक्स, मैंने आपसे कभी नाम नहीं पूछा। किसी का तो बसा। मेरा नाम अधिकतम रूप से महत्वपूर्ण है।